क्या आपको पता बहुत ही जल्द गंगा नदी हमेशा के लिए सूखने वाली है, वह धरती छोड़कर पुनः स्वर्ग जाने वाली। इसका रहस्य जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गंगा नदी की स्वर्ग लौटने को लेकर एक कथा है कि एक बार गंगा और सरस्वती के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बीच बचाव के लिए माता लक्ष्मी सामने आई तो सरस्वती ने लक्ष्मी जी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। उसके बाद गंगा और सरस्वती ने भी एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई, सरस्वती सरस्वती नदी बनी और गंगा भी नदी के रूप में पृथ्वी पर आ गई। इस घटना के बाद जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में कब तक पृथ्वी पर रहेगी, इसके उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब कलयुग के 5000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने धाम को लौट आएगी। कलयुग के 5013 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और पद्मा और सरस्वती नदी पहले ही लुप्त हो चुकी है और अब सिर्फ गंगा नदी बची है, जो भी अब वर्तमान के प्रदूषण और इतनी भयंकर दुर्दशा को देखकर अब जल्दी सूख जाएगी।